प्रेम विवाह से नाराज बहू के मैके वालों ने चाकू से किया हमला। बरेली के थाना सुभाष नगर में बदायूं रोड पर जुआ की पुलिया के पर तीन लोगों ने चाकू डंडों से किया हमला। घायल को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। आज सुबह 6 बजे राधेश्याम 54 वर्षीय पुत्र मूलचंद गांव बहटा दह जागीर थाना सुभाष नगर निवासी है। इस समय करघैना में किराए पर रहता है। राधेश्याम का लड़का राम किशोर ने अपने गांव में रहने वाले रिश्तेदार की लड़की से प्रेम प्रसंग हो गया। दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। लड़की वालों ने धमकी दी। राम किशोर की परिवार वाले गाँव छोड़कर करघैना में किराए पर रहने लगे। आज सुबह 6 बजे राधेश्याम मॉर्निंग वॉक को गए थे। बदायूं रोड पर जुआ की पुलिया के पास धर्मेंद्र कश्यप दाबू उर्फ रोहित सुभाष कश्यप ने चाकू और डंडों से हमला कर दिया। राधेश्याम गंभीर रूप से घायल हो गए। सुभाष नगर पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मेरा नाम ओम प्रकाश है। ये मेरे पिताजी हैं, सुबह बदायूं रोड पर टहलने गए थे। धर्मेंद्र डाबू सुभाष ने इन्हें घेर के मार रहा था। इनकी मौसेरी बहन थी, मेरे भाई ने शादी करी थी, लव मैरिज। इन्होंने पुरानी खुंजे दिखाते बोलते गाँव में आओगे तो जान से मार देंगे, रिपोर्ट लिखाओगे तो जान से मार देंगे। बोले गाँव में जाने नहीं देते हमारे लिए, हमारा मकान है, घूमने जाते हैं तो मेरे लिए धमकी देते हैं वो। बोले दोबारा आ गए तो गाँव जान से मार देंगे। मेरे को धमकी दी थी धर्मेंद्र ने। शादी को कम से कम 2.5 साल हो गए। कोर्ट से करी थी। आज इन्हें हमारा चाकू था, डंडा था, हाथ में तमंचा भी था। ये सुबह की बात है, मतलब 6:30 बजे की बात है। थाने गए थे, थाने में एप्लीकेशन लिख के दी थी, थाने में रूम गार्ड आए थे, उन्होंने भेज दिया यहाँ पे। बोले बस मैंने एडमिशन कर दो, एडमिशन करके फिर मेरे पास आना, फिर मेरा भाई थाने गया है। राधेश्याम जो राजस्थान जी, बता क्या हुआ था? मुझे धर्मेंद्र और डाबू और सुभाष ने बताई रोड पे मुझे घेर के मारा। क्यों मारा? क्यों मारा? बोले गांव में नहीं आओगे, गांव में नहीं रहने देंगे। क्यों? अब क्यों कहते हो सर? वही बताएंगे हम। क्यों क्यों मार रहे हैं? वही पुरानी बात है कि विवाह कर लिया है तो जब बता दो था कि भाई आपके? मैं, मेरे बेटा है राम किशोर, मेरे बेटे राम किशोर ने विवाह कर लिया है उनकी मौसेरी बहन से। दोनों राजाबंदी कोर्ट से हो गया है जी। बाकी बेटे को भी, हमारे बेटे जो आपके सामने खड़ा है, उनसे भी धमकियां देते हैं, गाली बकते हैं। कुल मिला के कहाँ से मारा? मुझे चाकू मारा है। मुझे चाकू और डंडा हाथ में था, तमंचा भी था। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।